पैन इंडिया स्टार बन चुके साउथ अभिनेता प्रभास 23 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। साल 1979 में चेन्नई में जन्मे प्रभास अपने शानदार अभिनय के बल पर न केवल दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री बल्कि बॉलीवुड में भी अपना डंका बजा चुके हैं। पर्दे पर एक्शन हीरो से लेकर रोमांटिक लवर तक की भूमिकाएं अदा कर चुके प्रभास मौजूदा समय में फिल्म आदिपुरुष को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिलहाल जन्मदिन के अवसर पर जानते हैं अभिनेता की जिंदगी से जुड़ी कुछ खास बातें। अभिनेता प्रभास के पिता उपलपति सूर्य नारायण एक फिल्म निर्माता थे और उनके चाचा कृष्णम राजू अभिनेता है। बता दें कि एक्टर प्रभास का पूरा नाम उपलपति वेंकट सूर्य नारायण प्रभास राजू है। अभिनेता श्री चैतन्य कॉलेज हैदराबाद में इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं। प्रभास ने वैसे तो कई फिल्मों में दमदार अभिनय किया है और हर तरह के किरदार अदा किए हैं, लेकिन बाहुबली उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। प्रभास एक समय में एक ही प्रोजेक्ट करना पसंद करते हैं। बाहुबली की शूटिंग 5 साल तक चली थी और इस दौरान उन्होंने कोई फिल्म साइन नहीं की। बताया जाता है कि प्रभास ने बाहुबली के लिए 200 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया था। बाहुबली से पहले प्रभास अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने एक गाने में कैमियो रोल किया था जिसमें वह सोनाक्षी सिन्हा के साथ थिरकते दिखे। इसके अलावा 2009 में प्रभास बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ काम कर चुके हैं। यह बात कुछ लोग जानते होंगे कि करियर की शुरुआत में कंगना ने तेलुगु फिल्म की थी। इस फिल्म में प्रभास और कंगना साथ नजर आए थे। प्रभास की निजी जिंदगी को लेकर एक चर्चा रही है कि बाहुबली के हिट होने के बाद प्रभास के लिए शादी के तकरीबन 6000 प्रस्ताव मिले थे। प्रभास को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए।